अधिकतर जगहों पर कोरोना वायरस के मामले अब काफी कम हो गए हैं। कई गतिविधियां पहले की तरह शुरू हो गई हैं। वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। वहीं देश की कई जगह ऐसी हैं जहां कोरोना वायरस अभी भी मुश्किल पैदा कर रहा है। केरल सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्से में कोरोना वायरस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मिजोरम में यहाँ तक कह दिया गया है कि लोग घर में भी मास्क लगा कर रहें। ये भी कहा जा रहा है कि घर में लोग साथ बैठकर खाना न खाएं। असम में 270 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने से महामारी के मामले बढ़कर 6,05,239 हो गए हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 5,931 पर पहुंच गई है। एक स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोविड 19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,647 है, जबकि 5,95,314 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं नागालैंड में संक्रमण के 24 नए मामले आए हैं, जिसमें कि राज्य में महामारी के कुल मामलों की संख्या 31,473 हो गई है। किसी मरीज की मौत न होने के कारण मृतकों की संख्या 671 पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 24 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्य में अभी 257 मरीज इस बीमारी को उपचार करा रहे हैं। मिजोरम सरकार ने लोगों को कोविड 19 संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहनने की महत्ता के बारे में जागरूक करने के वास्ते सोमवार को 10 दिवसीय मास्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान लोगों से घर पर भी केवल भोजन करने के अलावा हर समय मास्क पहनने और परिवार के सदस्यों के एक साथ बैठकर भोजन न करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर आर लालथंगलियाना ने कहा है कि राज्य में कोविड 19 के मामले बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर भी बढ़ रही है। राज्य में सोमवार को कोविड 19 के 307 नए मामले आए हैं और 4 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।